हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी रेसिपी विद भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे चना दाल की चिक्की, जो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती है और बहुत ही अच्छी खाने में लगती है, और ये झटपट बन के तैयार भी हो जाती है। इसको बनाने में कोई झंझट नहीं है, 2-3 सामान से ये बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन ले लेंगे और 1/2 कप चना दाल डालेंगे और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे धीमी आंच पे। 1 से 2 मिनट के लिए हम रोस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करना है इसको। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट पे। तो इसको धीमी आंच पे चलिए रोस्ट कर लेते हैं। ये चने दाल की चिक्की बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है और कोई भी इसको आसानी से घर पर बना सकता है, और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। मकर संक्रांति में तरह तरह की चिक्की बनती हैं, तो आज हमने सोचा चने दाल की चिक्की बनाएं, ये भी बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो इसका कलर काफी चेंज हो रहा है और 1 से 2 मिनट होने पे एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया और ये दाल अच्छे से रोस्ट हो गई है। तब यहाँ पे गैस बंद कर देंगे और एक प्लेट पे चने की दाल को निकाल लेंगे। इसका कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसी तरह की रोस्ट करना है। तो चलिए एक पैन ले लेंगे यहाँ पे और इसमें हम 1/2 कप गुड़ डालेंगे, और यहाँ पे जितना हमने गुड़ लिया है उसका 1/2 हम यहाँ पे चीनी लेंगे और दोनों चीजों को अच्छे से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम 2 से 3 टेबल स्पून पानी लेंगे, बहुत पानी नहीं लेना यहाँ पे, और धीमी आंच पे इसको हम मेल्ट करेंगे। दो से तीन मिनट का टाइम लगता है इसको मेल्ट होने में और आसानी से ये मेल्ट हो जाता है। गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल ना करें यहाँ पे, नहीं तो गुड़ जल जाता है और चीनी चिपकने लगती है। 1 से 2 मिनट में ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा। इसमें अगर ज़्यादा हम पानी डाल देंगे तो क्रिस्पी नहीं बनेगी, इसलिए 2 से 3 चम्मच ही पानी डाला है यहाँ पे। तो गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है चीनी में और अच्छे तरह बबल आ गए हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून सोडा डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें घी डालेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए ये पैन छोड़ रहा है, गुड़ बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसको 30 से 40 सेकंड और मिलाएंगे और इसको एक कटोरी में पानी लेके हम चेक कर लेंगे कि किस तरह से ये गुड़ बना है। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं कटोरी में। यहाँ पे हमने पानी ले लिया है, इसमें हम ये चाशनी डालेंगे और चेक करते हैं। ध्यान रखें कि गरम बिल्कुल ना छुएं। तो ये गुड़ अच्छे से रेडी हो गया है, 10 से 15 सेकंड और इसको चलाएंगे और फिर इसमें चने की दाल डाल देंगे। जो दाल रोस्ट करी थी वो ऊपर से डाल देंगे और अच्छे से इसको हम मिला देंगे। जब भी चने दाल की चिक्की बनाएं तो ध्यान रखें कि चने की दाल बहुत ज़्यादा ना हो, नहीं ये चिक्की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती खाने में। अब यहाँ पे हमने एक बटर पेपर ले लिया था, उसमें हल्का सा घी लगा दिया था, उसी के ऊपर हम इसका मिक्सर डालेंगे और जितना हो सके उतना पतला इसको हम फैलाएंगे।
अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। एक स्पैचुला ले लें और उससे हम पतला पतला चिक्की को फैला देंगे और जब 15 से 20 मिनट हो जाएंगे तो चिक्की ठंडी हो जाएगी तो आसानी से ये बटर पेपर से निकल आएगी। अगर बटर पेपर ना हो तो आराम से किसी भी थाली में या प्लेट में भी घी लगा के चिक्की को फैला सकते हैं। अब इसको ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए चिक्की ठंडी हो गई है और पूरी तरह से रेडी हो गई है। तो इसको पेपर से निकाल लेंगे। देखिए बटर पेपर बिल्कुल अलग हो गया है और बिल्कुल भी चिपका नहीं इसमें, और देख के ही पता चलता है कितनी क्रिस्प चिक्की बन के रेडी हो गई है और पेपर में बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। तो इसको तोड़ के देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छा टुकड़ा इसका निकला है तोड़ के। बहुत ही आसानी से ये टूट जाती है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर इस रेसिपी के बारे में कुछ भी आपको पूछना हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछें। बाय बाय।